की चर्चा हुई है, अमंगल में मंगल की चर्चा हुई है। लिख तुलसी ने मानस की शोभा बढ़ाई, ज्ञानियों में अहंकार शोभा न देता, जैसे भिखारी के गर्दन में टाई। अहंकार विनाश का जड़ है होता, अहंकार रावण की लंका जलाई। कहता बिहारी अहंकार त्यागो, तू है मेरा भाई मैं हूँ तेरा भाई। लाइन तरज बा मास्टर कौन तर्ज के लाइन बा बढ़ के दा। यह तरज का लाइन बा कि अरे कौन फूल दिली कस है, कौन फूल दिली कस है, ये तितलियां समझती है। कौन फूल दिली कस है, बाबा या कौन फूल दिली कस है, तितलियां समझती है। बाती अपने मतलब की, बाती अपने मतलब की, ये लड़कियां समझती है। बाती अपने मतलब की, लड़कियां समझती है। बाती अपने मतलब की, लड़कियां समझती है। नारियों के ऊपर कवि को कहना पड़ा, कहना है नारियों के ऊपर, क्या कहना है कि हुए जुल्म नारियों पे, हुए जुल्म नारियों पे, इतिहास भी गवाही है। हुए जुल्म नारियों पे, इतिहास भी गवाही है। इतिहास भी गवाही है, है। हुए जुल्म नारियों पे, इतिहास भी गवाही है। हुए जुल्म नारियों पे, इतिहास भी गवाही है। दास्तां हर मर्दों की, है दास्तां हर मर्दों की, ये नारियां तबाही है। नाचता हर मर्दों की, ये नारियां तबाही है। नाचता हर मर्दों की, ये नारियां तबाही है। यहीं से कहानी की शुरुआत है। गौर करेंगे जरा, ध्यान से इस गाना को सुनेंगे। कहानी की शुरुआत है कहाँ से बाबू? ऋषि मुनियों ने मेरे देश को संवारा है, सभी देशों से प्यारा भारत देश न्यारा है। तीर्थ प्रयाग में संतों का लगा जमघट था, संतों की झुंड में एक छोटा बच्चा नटखट था। कौन बच सकता है परमात्मा के माया से, वो बच्चा वंचित रहा माँ बाप के साया से। एक एक साधु के संग में जीवन को बिताता था, एक साधु के संग में जीवन को बिताता था, यातना में जो मिले प्रेम से वो पाता था। एक रोज बाबा से धोबी की कथा सुन करके, एक रोज बाबा से धोबी की कथा सुन करके बच्चे ने तर्क में चौपाई दिया सुन करके। यानी बात समझ लो भैया, प्रयाग इलाहाबाद में कुंभ लगा था। सभी जितने दूर दूर से लोग आए थे अपनी गंगा में स्नान करते थे मोक्ष के प्राप्ति के लिए। देखें वही मेला के अंदर एक साधु बाबा गई लहलन, साधु बाबा के संगवा में एक छोटे लड़का बा। ए भैया छोट लड़का साधु बाबा के संगे रहे, माई बाबू का कोनो ठोर ठिकाना ना बा। लड़का ना जानत बा कि हम केकर लड़का हैं, हमर माई बाबू कहवा हवन। साधु बाबा भी वो लड़का के पौले रहलन। आखिर वो लड़का के पाके अपने संग में रखें, भिक्षा लड़का मांगे, जवन मिले प्रेम से साधु बाबा के भी खिलावे अपने खाए। आज सब लोग वहाँ प्रयाग में जुटल हुन। साधु बाबा प्रवचन शुरू कैलन। आप प्रवचन शुरू कैलन, वो प्रवचन में उहे धोबी के ताना वाली जिक्र आयल बा कि धोबिया ताना देले बा रामचंद्र के कि हम कोनो रावण ना है कि हम तो के रख ले अपने दुल्हन के ताना मर ले बा कि हम कोनो रावण ना बनी, हम कोनो राम ना है कि रावण सीता जी के लेके चल गई 14 ले जाके लंका में कितना दिन रखलस, फिरो राम ले आके राख लिहलन, हमू राम ना है। आज बाबूजी है तरक आइल बा। तब उ लड़कवा सुनले बा, बर्दाश्त ना कैले बा। उ छोट लड़का बीच में प्रवचन रोक के साधु बाबा से कहले बा कि बाबा तब हई चौपाई काहे लिखल गई, कवन चौपाई लड़का कहले बा। बाबा ओ जनक सुता जग, जनक सुता जग जनक जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह लड़का चौपाई कहले बाकी बाबा आप कहत हवन, आप कहत हवन कि ओ राम के राज में अमंगल नाव के कोनो चीजे न रहल। फिर ये अमंगल भयल कहाँ से, कहाँ से यह मंगल भइल। तब आज बाबा बतावे लगलन, कहा बतौलन है भैया। यहाँ एक लाइन तरज बा, फिल्म का नाम बा छोटे सरकार, बड़ा रेडियो रिकॉर्ड में बजत बा। का बजत बा भैया, हेलो गावत हूँ कि ये कचुमा तू मुझको उधार गई, कचुमा तू मुझको उधार गई, कचुमा तू मुझको उधार गई, ये कचुमा तू मुझको उधार गई दे, कचुमा तू मुझको उधार गई दे, कचुमा तू मुझको उधार गई। अरे बदले में ये गोरी बदले में यूपी बिहार ले, बदले में यूपी बिहार ले, बदले में यूपी बिहार ले। लड़िकवा सवाल कह दिया, सवाल कैले का बा साधु बाबा से कि इहो बतिया ए बाबा बताई दिहता, 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 इहो बतिया ए बाबा धोबिया में बाँचली। निचाकर में निचिता बजा गले, हम के पर्दा तू मन से हटाई दिहता, कहलस किए बाबा आप कहलन की अमंगल नाव के कोनो चीजें ना रहे वो समय राम के राज में। आखिर वो धोबिया में अमंगल आइल कहाँ से, कैसे धोबिया ताना मार दिलस, काहे मरलस, अमंगल काहे बात कढ़ौलस। तब तो बाबा बतावे लगलन, का बतावे लगलन तनी और बढ़ के दाभिया। यहाँ एक लाइन गीत का लाइन बा, मेहरारू गावलिन झूम झूम के, का गावलिन भैया। यह तरज के लाइन बाकी केनिया से आवेला बाबा के तिलावा हो, आवेला बाबा के तिलावा हो, केनिया ले 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 आवेला लमैना आई रे सावरिया, केनिया ले आवेला है। तनी गनवा के बात सुना, आजू बाबा कैलन है का कि बाबा सुनावे सुना देई के धिया नवा हो, बाबा सुनावे देई के धिया नवा हो, बाबा सुनावे देई के धिया नवा हो, बाबा सुनावे सुना देई के धिया नवा हो, बाबा सुनावे सुना देई के धिया नवा हो, बाबा सुनावे सुना देई के धिया नवा हो। लंका में रहले, लंका में रहले रावण सुन लाए बचवा, लंका में रहले रावण सुन लाए बचवा, लंका में रहले रावण सुन लाए बचवा। बतावे लगलन बाबा की सुन बेटा, जब बीच में बात रोक दिहले तो सुन हम बतावत बानी कि अमंगल नाव के चीज कैसे राम के राज में रह गई है। लंका के अंदर रावण था और रावण अपने मन में एक रोज सोचने लगा, कौन सी बात सोचने लगा कि हमारा से दूसरा के बाबा लसाली हो, 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 हमारा से दूसरा के बाबा लसाली हो। सोचे ले पृथ्वी पे बीरावन से खाली हो, सोचे ले बीरावन से खाली हो, सोचे ले घमंड और गुमानवा सुन लाए बचवा, सुन लाए बचवा, अरे घमंड और गुमानवा सुन लाए बचवा। राज दरबार में सबके बोलावाले हो, कहाँ के राजा बनी खुल के बतावाले हो, चौदह हो भुआ नवा सुन लाए बचवा, चौदह हो भुआ नवा साधु बाबा लड़कवा के बतावा लगला। ने बेटा सुन तो के बतावत बनी, रावण जो है लंका में बैठा था, सोचने लगा आखिर मुझसे बलशाली इस धरती पर कोई नहीं है। सबको अपने दरबार में बुलाने लगा, तुम यहाँ का राजा हो, तुम वहाँ का राजा हो, सबको सबके नाम से जगह जगह का राज देने लगा, राजा बनाने लगा। लेकिन तब तक अकस्मात आकाशवाणी हुई है। काया आकाशवाणी भइल बा भैया। यहाँ एक लाइन तरज बा, फिल्म का नाम राजा की आएगी बारात। तरजवा का लाइन बा, यह तरज का लाइन बाबू रमेश, राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में। आकाशवाणी हुआ है, कौन बात के आकाशवाणी भैल बा भैया कि हुआ आकाशवाणी दे ध्यान रावण झनक गया, हुआ आकाशवाणी दे ध्यान रावण झनक गया, हुआ आकाशवाणी दे ध्यान रावण झनक गया। तेरा मिथ्या है मन में गुमान, तेरा मिथ्या है मन में गुमान, रावण झनक गया, तेरा मिथ्या है मन में गुमान, रावण झनक गया, तेरा मिथ्या है मन में गुमान, रावण झनक गया। आकाशवाणी हुई है कि रे रावण झूठमूठ का तुम अपने मन में ही राजा बन रहे हो ना, सोच रहे हो कि तेरे जैसा बलशाली धरती पर कोई नहीं है, तो सुन तेरा ये गुमान, तेरा ये घमंड, तेरा ये गुमान और तेरा ये घमंड बेकार है। सुन राजा दशरथ हैं, आज भी जाओ उनके दरबार में, उनके राज में जाओ, राजा दशरथ से जरा अपनी जोर की आजमाइश करो, तुम कितने पानी में हो और वो राजा कितना पानी में है। आखिर बाबूजी रावण के मन में ये बात आई, चल के देखी कि राजा दशरथ कैसन हवन, राजा दशरथ के राज मैलन हम। वो समय का बात मिलल का भैया अरे ललाट पे पसीना आ गया, भैया ललाट पे पसीना आ गया, क्रोध में उबल पड़ा, अधिकार है मेरा जीना, खोल गया खून रावण का, अरे खोल गया खून रावण का, क्रोध का कहर बरसाया है, पकड़ लाओ उन दुष्टों को जो मुझ पे आवाज उठाया है, मेरे खिलाफ में बकते हो, तेरा इतना चढ़ गया पारा है, स्वर्ग पे जाकर हमला बोलो, बेटा को ललकारा है, मेघनाथ के जुल्मों से, मेघनाथ के जुल्मों खौफ से सारा स्वर्ग थर्राया है, इंद्र पे पाके विजय मेघ ने नाम इंद्रजीत पाया है, देख लूंगा दशरथ को, देख लूंगा दशरथ को जो अवधपति कहलाता है, इसी से कहा गया है कि जब काल मनुज पर आता है विवेक पहले मर जाता है। आज बाबू देखें मेघनाथ लड़का को बोला जाओ, कौन आकाशवाणी किया, इंद्र के पास जाओ, जा करके पूछो क्यों, क्या कारण है, क्यों आकाशवाणी किया इस बात की। आखिर बाबू मेघनाथ जाता है, इंद्र पर विजय पा करके उसी समय से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा गया। इतना ही नहीं कहा गया कि जब काल मनुज पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। देखें बाबू वो रावण करता है क्या। अब यहाँ एक लाइन तरजमा तरज का लाइन बाकी एक आगा, अरे एक आगा बतलावा पढ़ू तोरी पाँव, एक आगा बतलावा पढ़ू तोरी पाँव, ना जाने मोर पिया बसे कौन गाँव, एक आगा पढ़ू तोरी पाँव, ना जाने मोर पिया बसे कौन गाँव, एक आगा बतलावा पढ़ू तोरी पाँव, ना जाने मोर पिया बसे कौन गाँव। आई देखा रावण कैले का बाप, तमका लंकेश नहीं आव देखाता, तमका लंकेश नहीं आव देखाता, अवध नगरिया में रखी थी हले पाँव, आव देखाता, अवध नगरिया में रखी थी हले पाँव, तमका लंकेश नहीं आव देखाता, अवध नगरिया में रखी थी हले पाँव। नीपत से कहले कि हमके कुछ चाहिए, कहले की मांगला होई ना नहीं नाही, निपत से कहले कि हमके कुछ चाही, कहले की मांगला होई नहीं नाही, हमहू मिटा देव करे जवा के घाव, हमहू मिटा देव करे जवा के घाव, अवध नगरिया में रख दिहले पाँव। आज बाबू देखें नतीजा ये निकला कि आज रावण चल दिया है, राजा दशरथ के राज में आया है। आज जब राजा दशरथ के राज में ऐलन, हाँ राजा दशरथ से कहलन कि आपन ब्राह्मण के भेष बनौले हुवन, रूप बदलले हुवन रावण। राजा दशरथ से कहलन कि सुना राजा, हम तो से कुछ मांगे बदे आइल बनी। आज जब इतनी बात कहलन त राजा दशरथ कहलन है का कि बन के भिखरिया रावण अब मंगला शमारिया हो। दशरथ जी बोले हैं विचार मोरे बाबूजी, अच्छा तेरी धरा मावा करम वहा विप्रा सेवा, कैसे करब हम प्रहार मोरे बाबूजी। जोरया जमावे के गरा इच्छा होई मानावा में, नहीं करब हम हुई न कर मोरे बाबूजी। बिना गलती के ब्राह्मण से करब न लड़ाइया हो, बाकी दैव पनिया बिगार मोरे बाबूजी। आज बाबूजी देखें रावण से, रावण जो है दशरथ से कहता है कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। रावण से हाथ जोड़ के दशरथ कहलन की सरकार आप तो ब्राह्मण है ना, और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं होता है कि एक ब्राह्मण पर वार करे, मैं कैसे वार कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, जब आप मुझे मेरी जोर को मेरी ताकत को देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इनकार नहीं करूँगा। आइए ठीक है, आप मेरी ताकत दिखना चाहते हैं तो मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन अपनी ताकत दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कितना ताकत है। आखिर कैलन हका बाबू यहाँ तर्जबा एक लाइन यहाँ वो एक लाइन तर्जबा की ए दर्जी ए दर्जी ए दर्जी सीधे बेचोलिया हमार नजरिया बंद करके, ए दर्जी ए दर्जी ए दर्जी सीधे बेचोलिया, ए दर्जी ए दर्जी ए दर्जी सीधे बेचोलिया हमार नजरिया बंद करके। आज नतीजा निकलल का ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद करके, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद करके, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद करके। जय भीला हाड़े हाड़ के बड़वा बंद करके बंद करके बंद करके, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद करके। आज राजा दशरथ कैलन है का कि घोड़वन के हाथ वाला फटक देखावलन, बाहर से खोले के उनके बतावलन, बाहर के खोले के उनके बतावलन, बाहर से खोले के उनके बतावलन। अंदर से हो गई ले खाड़ के बड़वा बंद कई के, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद कई के, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद कई के, ए विप्रा ए विप्रा ए विप्रा कई देवे हम हूँ जोगाड़ के बड़वा बंद कई के। आज बाबू जो घोड़ों का रहने के लिए हाथा बनाया गया था वही हाथा में गईलन हम, जाके हाथा के केवाड़ बड़का जोन फाटक बा अंदर से लगा के हाथ का इशारा देले हुन बंद कई के, हाथ का इशारा देले हुन। बाहर से रावण से कहलन कि भैया खोला खोला, यही में जोर के आजमाइश हो जाएगी, तोहरे अंदर कितना ताकत बा हमरे अंदर कितना ताकत बा। नतीजा निकलल है का अल्लाह वाली लाइन बढ़ के दा भैया कहना बा कि जैसे सीमावा पे बाबू हो खेला लड़ैया या भैया, बाहर से जोरावाला गावे बलकरिया हो। कुड़ाच पर कुड़ाच मार रहा है, बाहर से फाटक खोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रावण से फाटक खुलल ना बा। छेरदवाली पर चढ़ के देखत बाता राजा दशरथ खाली हाथ का इशारा से खड़ा हुवन। रावण के बाबू समझ में आ गई कि हमसे ज्यादा बलवान राजा दशरथ हुवन मुंह चुरा के भागल बा, लेकिन भागत भागत आखिर वही राज में ओके रात हो चुकल बा। एक ठे धोबी के घरे गइल बा। अजब धोबी आगे घरे गइल बा, ब्राह्मण के भेष में कैसो रात बितावे के कहले बा। रात बितौले बा, लेकिन ओकर धोबिनिया जोन बे तनी चटकदार बे, तनी चटकदार बे बाबू। जवानी का जोश में आखिर धोबिनिया के साथे उ रावणवा बलात्कार कह देले बा। जब रावण बाबूजी धोबिन के साथ बलात्कार कर दिया है, आखिर रावण के शरीर से धोबिनी के पेट के अंदर गर्भ रह चुका है। रावण तो सुबह होते ही चला गया। लाज में आकर के वो धोबिन किसी से नहीं बताई। आखिर वही रावण का जो गर्भ रुका था उसके पेट में आज ओ धोबिनिया के एक ठे लड़का भइल बा, जौन उहे धोबिया भइल बाटे जौन की उहे धोबिया ताना मरले बा। राम जी के ताना मरले बा कि हम राम जी ना हैं, जौन की रावण सीता जी के लेके चली गई आ ले आके फिर राख लियलन। तो वे साधु जी कहलन कि ए बचवा उहे रावणवा के अमंगल चीज राम के राज में भी अभी उ धोबिया रह गई रहे। तो गाना के अंतिम प्रमाण में कहना बा का से कहल गई पूत पिता पे घोड़ा ईठी के बतिया, गऊ पे पूत पिता पे घोड़ा ईठी के बतिया, राम सीता संग धोबिया कैले बाघतिया। गाने के अंतिम प्रमाण में कहा गया जय जखाड़ गुरुजत दूरा दे बने गगन का तारा, कथन करे कवि नंद बिहारी, कथन करे कवि नंद बिहारी, सागर के मिलल सहारा। अरे ललाट पर पसीना आ गया, अब ललाट पर पसीना आ गया, गावे ओम प्रकाश मेरे यार सीख लो जीना, ललाट पर पसीना आ गया।